हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बेहतर? यस, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी परीक्षा के प्रति बहुत ही जोश के साथ, जोश और खरोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारी बेसिक इंग्लिश पर, फंडामेंटल इंग्लिश पर, जिसके माध्यम से आप समझने जा रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं अपने भविष्य के प्रति उस आधार को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप अपनी सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाए और न केवल पहुंच जाए बल्कि उसको कर ले अपनी मुट्ठी में, कर ले उसको कैप्चर, ताकि आपका जो सपना था, जो आपका एक ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए और वो ड्रीम, वो सर्टिफिकेट आपकी मुट्ठी में आ जाए। मैं HM रॉय आज आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने चैनल रॉयजीत वे के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए और पढ़ाई का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज बिना देर किए आप इस कार्य को, आप इस शुभ कार्य को अंजाम दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए, हमारे द्वारा सेंड किए गए जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो आपके पास बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के तुरंत पहुंचे, अनवरत रूप से पहुंचते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है वो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को अपने आप में समाहित किए हुए हैं, पिरोए हुए हैं और डेफिनेटली इसको पा करके आप प्रफुल्लित होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आज आपने कुछ विशेष ज्ञान, कुछ विशेष नॉलेज प्राप्त किया है। ये आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात जरूर महसूस करेंगे, जरूर अनुभव करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश, अर्थात पहले हम आपको बताते चलें कि इंग्लिश है क्या, अंग्रेजी है क्या। इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक आपका नाउन, यानी इंग्लिश को जब हम नाउन के रूप में लेंगे तो ये एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज के रूप में कहलाएगा, यानी सब्जेक्ट एक विषय और एक भाषा के रूप में कहलाएगा, इसको समझ सकते हैं इंग्लिश को। और जब इसे हम एक एडजेक्टिव के रूप में मान करके चलते हैं तब ये अंग्रेजी या अंग्रेजों से संबंधित बन जाती, क्योंकि एडजेक्टिव एक क्वालिटी है, एक विशेषता है, इसलिए ये उसी सेंस में लिया जाएगा डेफिनेटली। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं एन इंग्लिश मैन या वुमन। तो जब हम एन इंग्लिश मैन या वुमन कहेंगे तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि वो एक अंग्रेज महिला है या अंग्रेज पुरुष है, आदमी है। पहले हमने मैन को लिया हुआ, इसलिए हम कहेंगे एक अंग्रेज आदमी, एक अंग्रेज, और यहां पर एक अंग्रेज महिला। और जब हम ये कहना चाहते हैं एन इंग्लिश नॉवेल, तो यहां पर इंग्लिश आया, ये नॉवेल की विशेषता है, क्योंकि नॉवेल क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता ये है, तो इंग्लिश यहां पर एक एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है। इसलिए यहां पर आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहां पर जो इंग्लिश का वर्ड हमने यूज किया है वो एक एडजेक्टिव की तरीके से है, एक एडजेक्टिव यानी एक क्वालिटी, एक गुण के रूप में है, जो विशेषता बता रहा है नॉवेल की। कम ऑन, क्या कहा, किसकी विशेषता बता रहा है, नॉवेल की। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा कि यहां पर इंग्लिश को हमने नाउन यानी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, भाषा के रूप में यूज किया है, और यहां पर हमने इंग्लिश को एक एडजेक्टिव यानी क्वालिटी, विशेष गुण के सेंस में यूज किया हुआ है। अब हम आते हैं यहां पर, जब हमने इंग्लिश के आगे डेफिनेट आर्टिकल द को लगा दिया, कम ऑन, डेफिनेट आर्टिकल द को जब आप लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बन जाता है प्लूरल, प्लूरल नाउन बन जाता है, और द इंग्लिश का जो सेंस है, द इंग्लिश का जो सेंस है वो हो जाता है
अंग्रेज लोग, क्या हो जाएगा अंग्रेज लोग, या पूरे अंग्रेज यानी सारे लोगों को, जितने भी हमारे ब्रिटेन वासी हैं, इंग्लैंड के निवासी हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं अंग्रेज लोग यानी द इंग्लिश। और इनके साथ में जो भी वर्ब आएगा, इसके साथ में जो भी वर्ब आएगा वो डेफिनेटली प्लूरल का होगा, क्योंकि नाउन कैसा है, प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही हो जाना चाहिए। यह बात हमने बहुत पहले अपनी क्लासेस में सीखा था, समझा था, और यदि आपको वो अभी तक याद है, यदि आपने उसे अपने जेहन में अभी तक बनाए के रखना है, रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी यहां पर फ्रेश हो गई होगी, आपकी यादें तरोताजा हो गई होंगी। हम आपको लेकर के गए हैं आपके उस बचपन की यादों में, आपके उन शुरुआती दौर की क्लासेस में, जहां पर आपको आपके अध्यापक जी ने यह बात स्पष्ट किया था, ऐसा आपने उनको बताते हुए सुना और समझा इस चीज को। तो डेफिनेटली इस चीज को हमने यहां समझा कि आखिर इंग्लिश है क्या, आखिर अंग्रेजी है क्या, इस बात को हम समझ गए हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि जब हमने इंग्लिश को समझ लिया है तो अब आपके समक्ष है अल्फाबेट। कम ऑन, क्या कहा हमने, अल्फाबेट, अर्थात इसे अगर आप सही सेंस में बोलेंगे तो यह कहलाता है अल्फाबेट, अल्फाबेट। लेकिन क्योंकि हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट का जो मींस है वो हो जाता है हिंदी में वर्णमाला, या इसे हम अक्षरमाला भी कह सकते हैं, वर्णमाला या अक्षर माला भी कहेंगे। अब क्योंकि ये माला है तो डेफिनेटली माला एक फूल से तो बनेगी नहीं, एक शब्द से बनेगी नहीं, एक अक्षर से बनेगी नहीं, इसके लिए हमें ढेर सारे फूल चाहिए, ढेर सारे अक्षर चाहिए। लेकिन हमारे इस इंग्लिश अल्फाबेट में ढेर सारे नाम होकर के, लेकिन कितने हैं, 26 हैं, यानी 26 अक्षरों से मिलकर के ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट बनी हुई है। तो इसीलिए हमने इसे माला कहा है, वर्णमाला और अक्षर माला का सेंस दिया हुआ है आपको। यहां पर हम समझाते चलें कि जो भी हम बोलते हैं, कम ऑन, क्या कहा हमने, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं। कम ऑन, क्या कहा हमने, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि। हमारे मुख से निकला गया एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, एक एक शब्द एक प्रकार की क्या है, ध्वनि है, ध्वनि बोलते हैं। और जब उसी को हम राइट यानी कि लिख देते हैं तो वही ध्वनि जो होती है वो वर्ड कहलाती है, वही ध्वनि अक्षर कहलाती है, और उसी ध्वनि को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे, क्योंकि अब हमने आपको उस ध्वनि का एक सिंबल दे दिया है, एक इसका चिन्ह दे दिया है, एक उसका प्रतीक दे दिया है। और जैसे ही ये ध्वनि प्रतीक रूप में आती है, सिंबल के रूप में आती है, तो फिर हम इसे कहते हैं लेटर यानी वर्ड यानी अक्षर। अब आप समझिएगा कि लेटर आखिर क्या है। यहां पर जितने भी हमने ये 26 लिखे हुए हैं, ये सभी लेटर्स हैं, ये सभी अलग अलग अपने आप में अपने रोल में है, अपनी भूमिका में है। लेकिन यकीन कीजिएगा, इन लेटर्स का अलग अलग, यानी जब ये सिंगल हैं, जब ये अकेले हैं, तो इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। इसका एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं कि ए, ए का मींस क्या होता है। अगर आप कहेंगे कि ए का मींस एक होता है, ए का मींस वन होता है, तो आप यहां पर गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन हमें वो चीज नहीं चाहिए कि ए का मींस एक है, एक अमीस एक है डेफिनेटली, लेकिन एक क्या। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि हमें एक दे दीजिएगा, क्या वो आपको देगा, नहीं, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसमें सेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर आप कहते हैं किसी से कि मैंने एक प्राप्त किया, तो क्या सामने वाला समझेगा, नहीं समझेगा। और इसलिए ए यहां पर इनकम्प्लीट है, अपने आप में अधूरा है। ए पूरा कब बनेगा, जब ये किसी अन्य शब्द के साथ कनेक्ट होगा। तो ना केवल ए बल्कि जितने भी ये 26 हमारे अक्षर हैं, ये कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंट रूप में अपने साथ किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रखते हैं। कम ऑन, क्या कहा हमने, ये अपने साथ किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रखते हैं। इसलिए यह बात भली भांति आपके समझ में आ जानी चाहिए कि जब ये सिंगल होंगे तो ये अस्तित्वहीन यानी कि सेंस रहित रहेंगे, इनका कोई विशेष यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे ए है वैसे ही बी है और उसी तरीके से सी है। हाँ, जो हम ज्ञान प्राप्त आपको बता रहे हैं उस बात को आप भली भांति स्पष्ट तौर पर इसी रूप में समझते रहिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप सेंस लगाएंगे तो वो सेंस यहां यानी हमारे यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में ज्यादा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको जरूरत है बेसिक जानकारी, बेसिक ज्ञान की, जो हम अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से आपके सहयोग से प्राप्त करने के पश्चात आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो डेफिनेटली आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, और ये हमारा वीडियो पूरा आप स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा, इसकी बातें आपको स्पष्ट हो पाएंगी, आप समझ पाओगे बेहतर ढंग से। आगे बढ़ते हैं, अब बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमने इसे अल्फाबेट क्यों कहा, इसकी वजह क्या हो सकती है कि अल्फाबेट जो है वो ग्रीक भाषा के जो हमारी वर्णमाला है उसके पहले दो अक्षर हैं जिनका एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा, यानी कि उस ग्रीक भाषा के पहले दो अक्षरों से हमने इंग्लिश के इस अल्फाबेट का निर्माण किया है। हमने क्या, जिस व्यक्ति ने निर्माण किया हम उसके प्रति शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमें ये वर्ड दे करके एक भाषा को बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही इजी कर दिया, ताकि बच्चा बच्चा व्यक्ति व्यक्ति इसे अपनी पकड़ में ले पाए और इसको बेहतर समझ पाए, है ना। तो ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा मिलकर के अल्फाबेट, यानी ये एक महीने का कार्य नहीं है, एक वर्ष का काम नहीं है, इसमें कई सौ वर्ष लगे होंगे तब जाकर के अल्फा बीटा अल्फाबेट बना, ऐसा हमारे भाषाविदों का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे ही हमको अल्फाबेट पता चला हमने यहाँ पर लिख डाला कि यहाँ पर हमारे सामने 26 अक्षर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक। अब इस अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसा हम अब तक ज्ञान प्राप्त करते चले आए हैं और आगे भी जारी रखेंगे इस चीज को कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से ए ई I O U, यानी ये पांच जो अक्षर हैं, पांच जो लेटर्स हैं, उनको आप मानते हो कि वो क्या है, वोवल्स हैं, वो वाउल्स हैं, और संख्या में इनको पांच माना गया है, यानी A E I O U, A E I O U, come on, याद हो जाना चाहिए आपको A E I O U, ये पांच हैं और इनको इसी क्रम में लिखना है, क्योंकि अगर इनको इसका क्रम बदल दिया तो वो कहीं ना कहीं सेंस वा रॉन्ग हो जाएगा, और इन्हें अंग्रेजी की मात्राएं भी कहते हैं। कम ऑन, समझो इस बात को, इन्हें अंग्रेजी की मात्राएं भी कहते हैं। वजह यह है कि जब हमको रमेश, जैसे हिंदी में दिया हुआ रमेश, अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे बिना मात्रा के तो ये हो जाएगा आर एम एस एच, आर एम एस एच, ऐसा ना। अब ये हमें कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो मात्राएं हैं उनके सेंस को लगाना पड़ेगा। र पर एक ई होगी और यहां पर ए लगा हुआ है, ये ई हो गया, अब ये करेक्ट बन गया रमेश, क्योंकि हिंदी की जो मात्राएं हैं उनको हमने रिप्लेस किया हुआ है इंग्लिश के वोवेल के साथ में, और इसीलिए इंग्लिश के इन पांच अक्षरों को हम हिंदी की यानी अंग्रेजी की मात्राओं के रूप में यूज करते हैं, इन्हें अंग्रेजी की मात्रा भी कहते हैं। बाकी जो हमारे पांच के अलावा बचते हैं वो कहीं ना कहीं कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे उनको, वोवेल्स को हिंदी में हम कहते हैं स्वर, और इनको हिंदी में कहेंगे हम व्यंजन। ओहो, जैसे ही आपने व्यंजन सुना तो आपके मुख में कहीं ना कहीं हो सकता है पानी की धारा प्रवाहित हो गई हो, क्योंकि व्यंजन नाम सुनते ही हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और रेस्टोरेंट होटल हमारे दिलो दिमाग में घूमने लगते हैं। परेशान बिल्कुल मत होइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस दिन आपके हैंड में ये सर्टिफिकेट आएगा, जिस दिन आप जॉब के हकदार बन जाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी है व्यंजन या ऐसी कुछ प्रकार की, वो बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, आपकी झोली में आ जाएंगी। इसलिए इस समय से प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा और दिलो जान से जुट जाइएगा, क्योंकि हम जुट चुके हैं आपके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, और आप भी तैयार रहिएगा और जुटे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा, समझाते रहिएगा। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है, इन्हीं को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, समझिए ध्यान से कि लेटर क्या है, अब आपको यह समझना है कि आखिर ये लेटर है क्या, तो चलिए बताते हैं आपको कि द लीस्ट साउंड। अब आप समझिएगा कि ये जो लीस्ट है ये क्या है, समझिएगा लिस्ट को, लिस्ट है क्या। आपको अगर याद हो तो हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम जानते हैं लिटिल के नाम से, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा, लिटिल का मीन्स होता है बहुत छोटा, अर्थात लिस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है, यानी लिटिल, लेस और लिस्ट, यानी सबसे छोटी, साउंड का मतलब ध्वनि, सबसे छोटा वो उच्चारण, वो ध्वनि, वो आवाज, That cannot be broken further, जिसे आप आगे नहीं तोड़ सकते वही क्या कहलाएगी, अक्षर कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, लेटर कहलाएगी। हिंदी में इसे हम वर्ड भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, और अगर देखा जाए तो पत्र भी कहा जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली हमें जरूरत है वर्ड और अक्षर की।
क्लियर। तो इस बात को आपने स्पष्ट कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा डेफिनेटली। तो ये हो जाता है हमारा लेटर का डेफिनेशन। जैसा हमने यहां कहा कि जब बोलते हैं तो ये ध्वनि है, और जब इसी को हमने सिंबल के रूप में लिख दिया तो ये बन गया आपके लिए वर्ड। करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं वर्ड पर, यानी वर्ड क्या है। देखिए ध्यान से इसे समझिएगा, शब्द वर्ड है यहां पर, वर्ड का हिंदी है शब्द, और वर्ड का जब प्लूरल पॉसिबल है, यानी वर्ड जब इसका सेंस है, वर्ड का जब हिंदी सेंस शब्द है, तब इसका प्लूरल पॉसिबल है, और जब वर्ड का हिंदी सेंस वचन, प्रतिज्ञा या संदेश होता है, तब इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। यानी एक बात आपके लिए बहुत स्पष्ट हो गई कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है वर्ड्स, तो समझो ये जो तीन है, वचन, प्रतिज्ञा और संदेश, ये तीन सेंस नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये तीन अब सेंस में नहीं आएंगे। हाँ, अगर यहां पर वर्ड्स है, सिर्फ वर्ड है, तो सोचिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वहां पर आपको अपना मस्तिष्क, दिल, दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहां पर ये किस कंटेक्स्ट में है, किस संदर्भ में यूज किया गया है। क्योंकि देखिए सेंस मिलेगा तभी टेंस के साथ में कॉम्बिनेशन से एक अच्छा वाक्य का निर्माण होता है, शब्द बनता है या वाक्य बनता है, ये कह सकते हैं। ये हमने इसलिए कहा कि कभी कभी एक शब्द ही एक वाक्य के समान होता है, जिसका एग्जाम्पल हम आपको दिए देते हैं कि एक वर्ड है NO, एक वर्ड है NO, नो, जिसके बारे में हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी ने किसी मूवी में, मूवी का भी नाम बता देते हैं आपको, पिंक मूवी में स्पष्ट किया था कि नो का मींस नो, यानी नो अपने आप में एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, ऐसा उन्होंने अदालत के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहा कि नो एक अपने आप में सेंटेंस है। इसलिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड का सेंस इस तरीके से लगाया जाता है कि वो सेंस में सेंटेंस के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको कभी देखा होगा कि कभी की आपके पिता ने आपको कॉल किया होगा, आपके डैड ने आपको कॉल किया होगा, और उन्होंने आवाज लगाया होगा राम, यदि आपका नाम राम है, और आपने जवाब दिया होगा आया, यस डैड, तो समझिए वो आया और जो यस है वो अपने आप में एक सेंटेंस है, अर्थात आपने ये कहा था कि डैडी मैं बस अभी आया, मैं बस अभी आपके पास पहुंच रहा हूं। यदि है आप आज्ञाकारी पुत्र, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है जब हम अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत नतमस्तक होते हैं, उनके एक एक अक्षर और शब्द को हम सम्मान देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने वर्ड को समझ लिया है, हमने एल बैड को समझ लिया है, हमने वोवेल्स को समझ लिया है, हमने कॉन्सोनेंट्स को समझ लिया है, इनके डेफिनेशंस को हमने भली भांति समझ ली है, तो अब हमारा अगला सफर यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए हमें इसे रफ करना होगा, और डेफिनेटली तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ से रफ करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपने परिश्रम में बिल्कुल भी कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा आलस्य है, जो हमारा लेजीनेस है, वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। स्टूडेंट लाइफ में जनरली और दुश्मनी नहीं होती हमारी, लेकिन जैसे ही हमारे माइंड में ये बात आती है, ये विचार आता है कि हम इसे कल कर लेंगे, हम इसे बाद में कर लेंगे, समझिएगा आपका पतन स्टार्ट हो जाता है, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसको अपने पास फटकने मत दीजिएगा, आने मत दीजिएगा बिल्कुल भी। और अब आपके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सेंटेंसेस की ओर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये डेफिनेटली बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का बहुत सामान्य सा ज्ञान है। आपको पता है कि जो सामान्य शब्द है वो हमने देखा होगा, हमने पढ़ा भी होगा, सामान्य ज्ञान, लेकिन यकीन कीजिएगा वो सामान्य ना होकर के असामान्य होता है, क्योंकि वो ज्ञान धरती से लेकर के आकाश तक का, जीरो से लेकर इन्फिनिट तक का हो सकता है, कहते सामान्य है लेकिन होता असामान्य है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर SENTENCE, आप देख रहे हैं सेंटेंस, सेंटेंस का जो सेंस हम लगा सकते हैं वो है सेंस प्लस टेंस,
सेंस प्लस टेंस। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, सेंस प्लस टेंस, क्योंकि यहां पर आपको बेहद कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि आखिर ये है क्या। अब हम यहां बता रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, इफ किसी सेंटेंस में सेंस, सेंस का मतलब भाव है, तो समझो वो आगे चीज बढ़ेगी। अगर उस सेंटेंस का भाव आ रहा है तो वो चलेगा आगे, और चाहे उसमें टेंस यानी कि ग्रामर का विशेष रोल हो या ना हो, लेकिन यदि टेंस टेंस है ना, टेंस है और फिर भी उसमें सेंस नहीं है, सेंस नहीं है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर दम तोड़ देगा। और डेफिनेटली इसका एक एग्जांपल हम अभी आपको देंगे। पहले हम इसकी परिभाषा से रूबरू हो लें, इसकी डेफिनेशन समझ लें क्या है। इसे हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, है ना, जो एक पूरा अर्थ देता है, जो एक पूरा सेंस देता है। सेंटेंस है क्या जो अपना एक पूरा सेंस दे, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कम ऑन, क्या कहा हमने, विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। विधेय का मतलब कहीं ना कहीं हम आगे समझने जा रहे हैं, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। अर्थात ये आपके समझ में आ गया कि सेंटेंस होता क्या है, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह जो अपना पूरा अर्थ दे, और अर्थ देने के लिए आवश्यक है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक उसमें प्रेडिकेट, यानी कि इसे आप समझे तो वर्ब भी समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने अभी आपको स्पष्ट किया था कि एक शब्द भी कहीं ना कहीं एक सेंटेंस के बराबर कभी कभी हो सकता है, हमेशा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन कभी कभी जरूर हो सकता है, वो उसका सेंस देता है, वो उसका भाव देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब सेंटेंस को हमने ये समझ लिया तो ये आप मानिएगा कि इसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अब जब ये चीज आपने समझ ली है, सेंस प्लस टेंस समझ लिया है आपने, कि यदि इसमें सेंस है तो वो चीज आगे बढ़ेगी, वो अपना अर्थ देगी चाहे टेंस हो या ना हो। इस बात को आप यहां पर समझिएगा कि आई वॉज किल्ड यस्टरडे, आई वॉज किल्ड यस्टरडे, यानी इसमें देखिएगा आई का सेंस मैं, वॉज मीन्स था, किल्ड मीन्स मार दिया गया, यस्टरडे मीन्स कल, यानी मुझे कल मार दिया गया था। कम ऑन, क्या समझा आपने, मुझे कल मार दिया गया था। समझिएगा कि जब मुझे कल मार दिया गया था तो फिर मैं आज कैसे बोल सकता हूं, यानी देखा जाए तो इसमें एक टेंस का सेंस तो आ रहा है लेकिन इसमें एक भाव नहीं आ रहा है। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को कल मार दिया गया है वो आज बोल कैसे सकता है, सॉरी वो आज बोल कैसे सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि सेंस का होना बेहद आवश्यक बनता है, सेंस का होना बेहद आवश्यक बनता है। सेंस है तो चीजें आगे डेफिनेटली बढ़ेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहीं पर हमने देखा इस चीज को, जब यहां तक हमने समझ लिया है तो डेफिनेटली अब हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिर सेंटेंस को और किस सेंस में ले सकते हो आप। अब जैसे हमने कहा ही सेंटेंस है नहीं, अब इसी में हमने जोड़ दिया गोज, सेंटेंस है, यानी अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, वह जाता है, ठीक, वह जाता है, सेंस दे रहा है लेकिन ये कंफर्म नहीं है वो जाता कहां है। इतना भी सही है, आपको सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाते हैं, ही गोज टू मार्केट। अब देखिएगा, अब ये पूरा सेंस दे रहा है कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, यानी वो बाजार जाता है, तो अब इसमें सेंस पूरा आ रहा है, ए टू जेड सेंस आपको पिक हो रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा कि ये जो है आपका सब्जेक्ट है और इतना जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट।
किट, यानी हिंदी में हमने क्या कहा, विधेय। हिंदी में हमने विधेय कहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाए वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, वही क्या कहलाता है हिंदी में, विधेय कहलाता है। इसलिए इसको आपने भलीभांति समझ ही लिया होगा, यानी ये पार्ट आपका सब्जेक्ट और ये पार्ट आपका प्रेडिकेट। कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित सेंटेंस में या ऊपर दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा नहीं है या कौन सा पार्ट प्रेडिकेट का है। तो डेफिनेटली हमने यहां पर चर्चा किया कि आखिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अब आपको यह समझना होगा, इस चीज के तहत ये भी हम समझ सकते हैं कि इसमें आगे सब्जेक्ट जो है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है, इसे समझिएगा ध्यान से। बेसिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और कर्ता का मीन्स होता है कार्य करने वाला। कम ऑन, क्या कहा हमने, कार्य करने वाला। अब ये जो कर्ता है ये आपके लिए लिविंग यानी जानदार भी हो सकता है और नॉन लिविंग यानी बेजानदार भी हो सकता है। ये जानदार है और ये बेजानदार बनता है यहां पर। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि बेजानदार सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली इसकी भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे, करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। फिलहाल अभी यहां समझ लीजिएगा कि जब हम वॉइसेस वगैरह की चर्चा करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस की चर्चा करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट, जैसे आई फ्लाई ए काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूं, तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, वर्ब है, काइट क्या है, पतंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसे में चेंज करने के लिए बन गया ना, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, यानी पतंग को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसलिए हमने कहा कि सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप डिफरेंस कीजिएगा, थोड़ा सा तुलना कीजिएगा कि एक वर्ड ये है डूअर, डूअर का मीन्स होता है करने वाला, अर्थात करने वाला क्या, कार्य के करने वाला। लेकिन जो डूअर है इसे भी आप कर्ता कह सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये ओनली लिविंग हो सकता है, ये नॉन लिविंग नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको कि जो डूअर है और जो सब्जेक्ट है वो लगभग एक है, लेकिन डूअर लिविंग ही होगा और नॉन, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। अब आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये देश और दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार का है, एक आपके लिए सिंगुलर है और दूसरा आपके लिए प्लूरल होता है। अब आप ये भी समझ लीजिएगा कि सिंगुलर का मीन्स होता है एक वचन अर्थात एक, और जो प्लूरल का मीन्स होता है वो होता है बहुवचन अर्थात एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो देश और दुनिया की अगर आप बात करें, चाहे हम प्रथम क्लास से लेकर के उच्च स्तर तक की पढ़ाई की बात करते हैं, वहां सब्जेक्ट सिर्फ हमारे पास दो ही होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के सेंसेस में। और ये आपको समझ में आ गया, आगे इसी के हिसाब से हमारी जो वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो चलता है। वर्ब के कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं तो डेफिनेटली आज हमने आपको जो बेसिक जानकारी प्रदान की है वो कहीं ना कहीं लेटर, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस क्या है, इस बात की जानकारी दी हुई है। हमने ये भी चर्चा आपको किया कि आखिर एक सेंटेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ये दो भाग उसके साथ चलते ही चलते हैं बेसिक स्तर पर। और उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं कि आखिर सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हैं कितने, चार हैं, पांच हैं या छह हैं, क्योंकि ये यूपी टेट की कई बार परीक्षाओं में अपीयर हो चुका है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यकीन कीजिएगा कि जब आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो सेंटेंस का ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यदि उसमें से कोई भी प्रश्न अपीयर होता है एग्जाम में तो आप डेफिनेटली बिंदास उसे हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारे सिलेबस वाले वीडियो को पूरा देखा होगा और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उसी की यात्रा के अनुसार कर रहे हैं, वो उसी की जर्नी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसमें जो एक एक स्टेप दिया गया है उस पूरे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अगले वीडियो से कुछ वकैब सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे, यानी वर्ड पावर को भी स्टार्ट करेंगे, शब्द भंडार को भी स्टार्ट करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में अपीयर होते हैं और आते हैं।
हमें यकीन है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ये आपको बेहद कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा के अर्थ से, परीक्षा के मतलब से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लाभदायक प्रूव होगा, काफी लाभदायक, काफी कारगर साबित होगा अगर इसे आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली। और अगर ध्यान नहीं दिया तो डियर स्टूडेंट बहुत सारी आवश्यक चीजें भी बेकार हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं। मानो तो पत्थर, ना मानो, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, बाजे तो पायल, ना बाजे तो फिर धातु तो है ही वो कहीं ना कहीं। चलती का नाम ही जिंदगी है, चलती का नाम ही गाड़ी है। तो प्रयास ऐसे ही करते रहिएगा और फिर से एक वही बातें जो बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप मरहूम ना रहे, आप वंचित ना रहे हमारे इस बेसिक ज्ञान से, हमारे इस बेहद आवश्यक जानकारी से। इसलिए आपसे बिल्कुल कहना है कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते ही आपके सामने एक बेल आइकन उपस्थित हो जाएगा, उस बेल आइकन को आप पुश कर दें तो जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपके पास अनवरत रूप से पहुंचते रहेंगे। लाइक तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। वेल, मैं HM रॉय यहीं पर आज के इस वीडियो को फिनिश करता हूं, समाप्त करता हूं। आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम लेकर के आएंगे सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और वो उसका यूज किस तरीके से होता है, साथ में कुछ और एक्सरसाइज जो डिपेंड होगी अब तक के चैप्टर से संबंधित। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।